आज पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। किससे मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। नर्व टिश्यू किन दो सेलों से मिलकर बना होता है? एक तो न्यूरॉन, न्यूरॉन एक न्यूरोग्लिया, एक न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन, इन दो से मिलकर बना होता है। अब न्यूरॉन होता है तो वो उसको क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम की। क्या है? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट किसकी? नर्वस सिस्टम की। और क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया क्या है? एक सपोर्टिंग और प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। किसको? न्यूरॉन को। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। अब बात करें न्यूरॉन की। किसी बात करें? न्यूरॉन की। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या काम करता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन एक काम करता है। क्या काम? न्यूरॉन काम करता है क्या? ये इस न्यूरॉन को सर्वाइव करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और आपका न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट है। और क्या है? पेरिकाइमल यूनिट। पेरिकाइमल सेल की बात करें तो पेरिकाइमल सेल कौन सी है? पेरेन्काइमा ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब आपका न्यूरॉन वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक तो सेल बॉडी और एक सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस और सेल बॉडी दो चीजों से मिलकर होता है। सेल प्रोसेस के अंदर दो चीजें आती है, एक तो डेंड्राइट्स आता है, एक एक्सोन आता है। एक क्या आता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आता है। दूसरा क्या आता है? एक्सोन आता है। अब बात करें कि सेल बॉडी के बारे में। किसके बारे में? सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्म। सेल कंटेन इज, सेल कंटेन इज न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्म। जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। ये न्यूरोप्लाज्म है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गन। न्यूरोप्लाज्म हैव, न्यूरोप्लाज्म हैव सेल ऑर्गन, वेरियस सेल ऑर्गन। क्या है? वेरियस सेल ऑर्गन है। फर्स्ट कौन सा है? न्यूक्लियस। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या बोलते हैं? ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गन है। क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गन। क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गन है। और क्या है? इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट? क्रोमोसोम प्रेजेंट, बट आपके सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम क्या होते हैं? अब्सेंट। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम क्या होते हैं? अब्सेंट। यदि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम अब्सेंट है तो आपका क्या नहीं होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा। अब बात करें किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हाउस ऑफ द सेल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड की बात करें, नेसल ग्रेन्यूल्स। नेसल ग्रेन्यूल्स क्या है? होमोलोगस है। किसके? होमोलोगस मतलब समान। होमोलोगस किसके है? होमोलोगस किसके है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। होमोलोगस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? अब बात करें गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? गोल्जी एपरेटस ये भी प्रोटीन को स्टोरेज करेगा। इसका फंक्शन ऑफ
इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन स्टोरेज। अब बात करें इसकी, यदि यदि आपकी आपकी सेल बॉडी यदि सीएनएस में प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट हो? सीएनएस में, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। यदि पीएनएस में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। क्या बोलेंगे? गैंग्लिया, ग्रे मैटर। इसको दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियाई। दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियाई और गैंग्लिया। अब बात करें सेल प्रोसेस की। किसकी बात करें? सेल प्रोसेस की। सेल प्रोसेस, आपकी सेल प्रोसेस कितनी थी? दो थी। एक तो क्या थी? डेंड्राइट्स। क्या थी? डेंड्राइट्स। दूसरी क्या थी? एक्सोन। दूसरी क्या थी? एक्सोन। अब डेंड्राइट्स थी, एक एक्सोन था। अब फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एक्सोन। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं? सॉरी, फर्स्ट अपन पढ़ते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ऊपर आता ना, तो अपन क्या पढ़ेंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या? ये शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? एक तो शॉर्ट है और क्या है? एक नहीं है, ब्रांचेज है। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? शॉर्ट है, ब्रांच है। आपके डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, में भी प्रेजेंट या में भी परसेंट, में भी परसेंट, उसको एब्सेंट करो, मे बी एब्सेंट। डेंड्राइट्स मे बी एब्सेंट, नंबर में एक भी हो सकते हैं, वन ही नंबर, वन ही नंबर, मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन, कितने हो सकते हैं? मोर देन वन। अब बात करें फंक्शन की। फंक्शन क्या है डेंड्राइट्स का? ये कैरी करता है इंपल्स को। क्या करता है? कैरी इंपल्स टुवार्ड, कहां से? टुवार्ड द सेल बॉडी। कहां से करता है? टुवार्ड द सेल बॉडी। यहां पे क्या होता है? नेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेसल्स ग्रेन्यूल्स। नेसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें एक्सोन की। किसकी बात करें? एक्सोन। एक्सोन, एक्सोन में क्या होता है? एक्सोन, एक्सोन में नेसल ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? नेसल ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। नेसल्स ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। और क्या करता है? इसमें एक्सोन हिल, एक्सोन हिलोक क्या होता है? दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? बिटवीन, इसके बिटवीन, बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सोन, जो स्पेस दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोन हिलोक। आपका एक्सोन कैसा है? लॉन्ग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? लॉन्ग स्ट्रक्चर है। आपका डेंड्राइट्स कैसी थी? शॉर्ट स्ट्रक्चर ही। ये कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? ओनली वन इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? वन इन नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये इसका काम क्या है? फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है, ये कैरी करता है इंपल्स को, कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है सेल बॉडी। अब बात करें कि आपका एक्सोन यदि सीएनएस में प्रेजेंट हो या पीएनएस में प्रेजेंट हो, सीएनएस और पीएनएस, यदि एक्सोन सीएनएस में प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा? व्हाइट मैटर। क्या कहलाएगा? व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। और पीएनएस में प्रेजेंट हो तो क्या होगा? जिसे क्या बोलेंगे? न्यू नर्व। क्या बोलेंगे? नर्व, NERV, नर्व बोलेंगे, ठीक है, या फिर नर्व फाइबर, नर्व फाइबर।
अब बात करें किसकी, माइलिन शीथ की। किसकी बात करें, माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ क्या करती है, कवर करके रखती है किसको, एक्सोन को। माइलिन शीथ क्या काम करती है, कवर करने का काम करती है। लिखो, कवर एंड प्रोटेक्ट द एक्सोन, द एक्सोन ऑफ सम ऑफ न्यूरॉन, ऑफ सम न्यूरॉन। और क्या काम करती है, ये स्पीड को बढ़ाती है इसकी, इंपल्स की। इट पास द इम्पल्स बाई किसके थ्रू, साल्टेटरी मूवमेंट। किसके थ्रू, साल्टेटरी जंपिंग मूवमेंट थ्रू। क्या बढ़ाती है, इम्पल्स को बढ़ाती है, और जिससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। प्रोवाइड फास्ट स्पीड, स्पीड टू इम्पल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल, फोम। माइलिन शीथ बनाती कौन है, फोम बाई श्वान सेल। कौन बनाती है, श्वान सेल। न्यूरोलेमा क्या होता है, न्यूरोलेमा कवर बाय द मेम्ब्रेन। श्वान सेल कवर बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या है, माइलिन शीथ श्वान सेल कवर करके रखती है, वो क्या है, न्यूरोलेमा। अब बात करें किसकी, टाइप ऑफ द न्यूरॉन। किसकी बात करें, टाइप ऑफ न्यूरॉन। किसकी बात करें, टाइप ऑफ न्यूरॉन की। तो फर्स्ट आता है कौन सा आता है, फर्स्ट है आपका क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी पोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन से, मल्टीपोलर डेंड्रिएट्स के आधार पर मल्टीपोलर है। इसमें क्या होता है, मेनी डेंड्रिएट्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी डेंड्रिएट्स विद विद वन एक्सॉन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के क्या होगी, ऑल मोटर न्यूरॉन, ऑल मोटर न्यूरॉन। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है, बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या है, इसमें क्या होते हैं, वन एक्सॉन और वन डेंड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रेट्स। क्या होते हैं, प्रजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना, फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना। तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप क्या है, यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन है तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, वन एक्सॉन तो होता है, वन एक्सॉन प्रेजेंट, वन एक्सॉन प्रेजेंट बट डेंड्राइट्स एब्सेंट, एब्सेंट। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा आपका ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व में भी कौन सी नर्व है, मेसेंसिफेलिक नर्व। कौन सी नर्व है, मेसेन सिफेलिक नर्व, लिक नर्व। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर क्या है, बोथ, बोथ कौन से, एक्सोन और
डेंड्रियट्स एक ही पोल से अराइज होते हैं, वो क्या है, सूडो यूनिपोलर। सूडो का मतलब है आभास, क्या है, आभास, आभास कराता है, ठीक है। बोथ डेंड्राइट एंड एक्सोन, बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन अराइज फ्रॉम वन पोल, कहाँ से, एक ही पोल से अराइज होते हैं, वो से क्या है, सूडो यूनिपोलर। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। अब बात करें लेंथ के आधार पर, तो लेंथ के आधार पर, बेस ऑन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन की लेंथ के आधार पर बात करें तो क्या है, गोल्जी टाइप फर्स्ट एंड गोल्जी टाइप सेकंड, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब गोल्जी टाइप फर्स्ट है, गोल्जी टाइप फर्स्ट है, उसकी एक्सॉन क्या होगी, लॉन्ग एक्सॉन होगी, और गोल्जी टाइप सेकंड है, सेकंड है, उसकी लेंथ कैसी होगी एक्सॉन की, शॉर्ट होगी, शॉर्ट एक्सॉन। तीसरी की बात करें अपन, तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक फंक्शन, बेस्ड ऑन द ऑटोनॉमिक फंक्शन। फर्स्ट क्या है, एड्रेनर्जिक, सेकंड क्या है, कोलिनर्जिक। अब थर्ड फोर्थ की बात करें, बेस्ड ऑन द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ अब्सेंट है या प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन द माइलिन शीथ। फर्स्ट क्या है, मेडुलेटेड, फर्स्ट क्या है, मेडुलेटेड या माइलिनेटेड, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट। सेकंड क्या है, अनमोडुलेटेड, अनमेडुलेटेड, अनमाइलिन शीथ, अनमाइलिनेटेड, इसमें माइलिन शीथ क्या एब्सेंट है, इसमें माइलिन शीथ क्या है एब्सेंट है। अब बात करें किसके, टर्मिनल बटन्स की, किसकी बात करें, टर्मिनल बटन्स की। टर्मिनल बटन्स, टर्मिनल बटन्स क्या क्या के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स, टर्मिनल बटन हैव वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम चैनल, वेसिकल्स हैव कंटेन, हैव कंटेन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल। और कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फाउंड आउटसाइड द वेसिकल्स, वेसिकल्स का प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द वेसिकल्स, ठीक है। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है, आपकी इंपल्स होती है, फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी नर्वस सिस्टम की, इंपल्स। अब बात करें किसकी, न्यूरोग्लिया की, किसकी बात करें, न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया क्या है, एक सपोर्टिंग सेल है, न्यूरोग्लिया क्या है, सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। न्यूरोग्लिया क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर।
ये किसमें पार्टिसिपेट नहीं करती? कंडक्शन में, नो पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। फर्स्ट न्यूक्लिया कौन सी है? एस्ट्रोसाइट। फर्स्ट क्या है? एस्ट्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल। फर्स्ट क्या है? एस्ट्रोसाइट सेल। ये कैसी है? स्टार शेप है। कैसी है? स्टार शेप सेल है। ये क्या है? लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया। कैसी न्यूरोग्लिया है? लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया। इसको स्टार ऑफ सीएनएस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्टार ऑफ द सीएनएस, आल्सो नोन एज स्टार ऑफ सीएनएस। ये किसमें प्रेजेंट होती है? ओनली सीएनएस में प्रेजेंट, ओनली सीएनएस, ओनली सीएनएस, इसीलिए स्टार ऑफ द सीएनएस भी कहते हैं। इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। ये तो फर्स्ट फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? ये पेक्ट ग्लूकोज होती है, पेक्स ग्लूकोज है, इसको चेंज करती है, चेंज इनटू लैक्टेज। इसके अंदर चेंज करती है, लैक्टेज के अंदर मेंटेन करके रखता है। किसको? केमिकल एनवायरनमेंट को। फॉर इसके लिए, नर्व इंपल्स के लिए लिख दो, मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट मेंट फॉर जनरेटेड ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व इंपल्स, सॉरी नर्व इंपल्स। और क्या काम करता है? ये हेल्प करता है किसके अंदर? ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में, हेल्प टू फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। अब दूसरी टाइप ऑफ सेल कौन सी आपकी? दूसरी टाइप ऑफ सेल आपकी कौन सी है? ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सीएनएस के अंदर। क्या काम करती है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। क्या काम करती है? फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ। ये कैसी शेप है? ओवल शेप शेप है। इसकी शेप कैसी है? ओवल शेप, ठीक है। ये माइलिन शीथ का काम करती है, फॉर्मेशन करती है, किसमें? सीएनएस में। फिर आती है स्वान सेल। कौन सी आती है? स्वान सेल। स्वान सेल कहाँ काम करती है? पीएनएस में। कहाँ प्रेजेंट होती है? पीएनएस में। इसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ। इसका फॉर्मेशन करती है माइलिन शीथ का। फिर आती है कौन सी आपकी? माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। इसका क्या है? ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया। ये क्या काम करती है? फेगोसाइटिक सेल है, तो फेगोसाइटिक से बचाएगी, फेगोसाइटिक सेल है। ये किस क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किसे? डिजीज से, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। अब कौन सी बची है आपकी? एपिडाइमल सेल। कौन सी बची है? एपिडाइमल, एपिडाइमल, एपिडाइमल सेल क्या काम करती है? स्मॉल इन साइज, किससे मिलकर बनी होती है? इपिथेलियल सेल से। सेल फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? ये कवरिंग करती है किसकी? लाइनिंग बनाती है, कवरिंग बनाती है किसकी? प्रिपेयर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये लाइनिंग बनाती है किसकी, ब्रेन की, वेंट्रिकल्स की, किसकी बनाती है, वेंट्रिकल्स की, किसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। ये अपने का क्या था, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपकी क्या है, स्ट्रक्चर है, ये क्या आपके कैल्शियम चैनल, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, ये इसको क्या है, वेसिकल्स हैं। ये क्या है आपकी, टर्मिनल बटन्स है। ये क्या आपका एक्सोन है, क्या है एक्सोन है। ये क्या आपके डेंड्राइट्स हैं, क्या है डेंड्राइट्स। ये आपकी क्या है, सेल बॉडी, ये क्या है डेंड्राइट्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन सीथ, जो क्या करती है, स्पीड प्रोवाइड करती है। माइलिन सीट का फॉर्मेशन कौन करता है, स्वान सेल, कौन सी करती है, स्वान सेल। माइलिन सीट में भी प्रेजेंट है, में भी एब्सेंट भी हो सकती है। ये टर्मिनल बटन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर साइड। जब इम्पल्स आएगी तो क्या करेगी, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेगी। कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम कहाँ जाएगा, वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये कैसे जुड़ेगा, स्नेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, वहां से अटैच होकर इम्पल्स को जनरेट करेगा। ये आपका क्या है, न्यूरो। नेक्स्ट क्लास